वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फाइनली मैं वीडियो बना रहा हूँ घर से। वहाँ दिल्ली से मैं जैसे बताया था कि मैं घर आने वाला था, तो मैं घर आ गया हूँ और 7-8 दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा आज फिर से वीडियो बनाते हैं कुछ, क्योंकि आज कुछ स्पेशल है मेरे घर में। हालांकि ये 15-20 दिन पहले ही आया है, लेकिन मैंने सोचा इसका वीडियो बना देते हैं एक छोटा सा। तो मैंने बोला चलो देखते हैं कैसा क्या होता है। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली चीज़ क्या है। तो मेरे घर में बुलेट इलेक्ट्रा जो होता है, बुलेट गाड़ी, वो बुलेट इलेक्ट्रा हम लोगों ने ख़रीदा है। और अभी मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूँगा, हालांकि मुझे ज़्यादा रिव्यू की नॉलेज नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो ये है मेरी गाड़ी, ये है बुलेट 3 इलेक्ट्रा गाड़ी है। और ये एक्चुअली हम लोग को 20 दिन पहले ही हम लोगों ने ख़रीद लिया था, लेकिन अभी चल चल वल गया। तो समझ सपोज लो कि 10-15 दिन का जो भी है चलाया वलाया, उसका एक रिव्यू है कि बेसिकली क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये अभी मैं आपको इसको एक बार कवर ओपन करके दिखाता हूँ सारा। गाइस फाइनली मैंने कवर हटा दिया है और अभी आपको मैं बाइक दिखाता हूँ। सो ये है बाइक। एक बार मैं फ्रंट व्यू में करता हूँ, पहले आपको पूरा दिखा देता हूँ बाइक क्या है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने कैसे कैसे क्या लिया, क्या मेरा खर्चा पड़ा है सब कुछ, और गाड़ी 15 दिन चलाने के बाद कैसी है। गाइस ये है गाड़ी का फ्रंट व्यू। बिल्कुल बिल्कुल मस्त गाड़ी है, देखने में भी काफ़ी हैवी लगता है। इस गाड़ी के बारे में पहले मैं बता दूं कि मेरे को कितना क्या पड़ा है और कैसे कैसे, मतलब क्या हुआ है सारा हिसाब, अभी तक कैसे चली है गाड़ी। तो ये जो गाड़ी है, ये मेरे को जो पड़ी है, इसका जो एक्चुअल ऑन रोड प्राइस था वो 1,72,000 था, जो कि हम लोगों ने इसको EMI पे लिया। तो हमारा सारा सब कुछ लगा के 2,05,000 रुपये के आसपास पड़ा है। और ये जो इसमें हम लोगों ने कस्टमाइजेशन किया है, मतलब 10,000 रुपये के कुछ अलग से सारी चीज़ें लगवाई है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। हम लोगों ने ये लगवाया है, ये लगवाया है, फिर लेग गार्ड लगवाया है, फिर हम ये लगाया हम लोगों ने, ठीक है, ये सारा लगा, सीट लगा हुआ है, ये जो सीट का कवर है ये लगाया, फिर ये भी लगवाया है। तो ये सब सब मिला के हमें 10,000 रुपया अलग से लग गया था। कि थोड़ा सा मतलब एक बार सर्विसिंग हुआ है, एक या दो बार सर्विसिंग हुआ है इसका, लेकिन अभी एक छोटी हल्की सी आवाज़ आती है, टन 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 करके, बिल्कुल बिल्कुल हल्की सी आवाज़ है। बाकी ओवरऑल गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अच्छा माइलेज भी देती है, अभी नई नई है तो बहुत अच्छा माइलेज दे रही है। और हमारे घर के आसपास जो रोड बिल्कुल पक्के हैं, तो वहाँ पे और अच्छे से चलती है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब आप इस पर बैठ के चलते हो तो आपको फीलिंग आती है, हाथी वाली फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि हाँ वाकई कोई बाइक पर आप बैठे हो, किसी पर लगता है। वरना ऐसा नॉर्मल गाड़ियों में ठीक है चलता है, वो भी बढ़िया है, लेकिन इसकी अलग ही बात है। जैसा कि बुलेट का नाम ही ऐसा है कि मतलब लोग जानते हैं कि हाँ ये ब्रांड है। तो मैंने बुलेट इलेक्ट्रा ऐसे लिया था क्योंकि इसमें सेल्फ स्टार्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ सेल्फ स्टार्ट। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है सेल्फ स्टार्ट, ये सेल्फ स्टार्ट है यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रा में होता है। और इसके बाद ये सब सब वैसे ही है, नॉर्मल है, ये डिजिटल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार, ये देखो, ये 830 किलोमीटर हम लोगों ने चला लिया है, क्योंकि 500 किलोमीटर चलाना बिल्कुल ज़रूरी है था, क्योंकि अपने को इसकी सर्विसिंग करवानी थी। तो इसमें हमें 4 सर्विसिंग मिली थी, जिसमें से 2 हो गई है। और मुझे सबसे अच्छी इस बाइक की ये लगी कि इसका हम लोगों ने बिल्कुल जेट ब्लैक लिया है, देख सकते हो, लेग गार्ड से लेके और जो भी है टैंकी वंकी सब जो है सब ब्लैक है। और ब्लैक पे जो येलो, ये जो सिल्वर कलर का आया ना, मुझे गोल्डन बिल्कुल पसंद है, तो मैं बोला मैं सिल्वर लूँगा, तो मैंने पूरा सिल्वर लिया है ये। और सारी चीज़ देख सकते हो, बिल्कुल लाजवाब। टायर वायर काफ़ी अच्छे हैं, व्हील्स व्हील्स काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि मुझे गाड़ियों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है कॉन्फ़िगरेशन का हमने, लेकिन हाँ मैं बेसिक चीज़ें देख सक के आप देख लो तो आइडिया लगेगा। ये भी हम लोगों ने लगाया है, सो दैट अगर इंजन इंजन में कुछ हो तो प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो आवाज़ है ना, इस गाड़ी की जो आवाज़ है, आपको जरा सा भी ऐसा, मतलब ऐसा ना, मैंने सुना है नॉर्मल गाड़ियाँ जो बुलेट की होती है बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, लेकिन उस लेवल की आवाज़ नहीं करती है, एकदम सॉफ्ट साउंड निकलता है इसका, और वो मुझे काफ़ी पसंद है। वरना फिर रोड साइड में जाने में बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता। बाकी यही है पूरा, आपको मैं इधर से भी एक बार दिखा देता हूँ।
ये यहाँ पे आपको इधर भी है और इधर भी है, ये जो दो बॉक्सेस ये खुलते हैं, यहाँ पे सामान है जो भी थोड़ा अगर ऊंचे ऊपर नीचे होता है तो यहाँ इसके अंदर कुछ सामान है, मेडिकल किट भी है इसमें रख सकते हो। फिर ये ब्रेक वगैरह है देख सकते हो, टंकी बिल्कुल बिल्कुल बड़ी सी टंकी लगती है, सबसे अच्छी बात मुझे टंकी है, ये देखो कितनी बड़ी टंकी है, नॉर्मल गाड़ियों का कंपनी है तो 13 लीटर इसमें पेट्रोल भी अटता है जो कि काफ़ी ह्यूज है, कहीं भी जाने आने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये मिरर है। ओवरऑल गाइस अभी तक जितना भी चला है गाड़ी, और एक्चुअली ये मैं नहीं चलाता, मेरा भाई चलाता, उसी उसने लिया था, तो उसके हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और आपको पता है ये बुलेट है तो भाई उसमें कुछ ना कुछ बात है, तब तो लोग इतना लेने के लिए करते हैं। मुझे इसको लेने में प्रॉब्लम ये आई थी कि ये हम लोगों ने, मुझे लगता है कि नवंबर में हम लोगों ने बुक किया था, नवंबर एंड में, और मुझे पूरा 25 डेज लगा था, क्योंकि आपको क्या होता है कि अगर आप आज बुक करोगे ना तो ऐसा नहीं कि कल हो के बुलेट आ जाएगी, वो नहीं मिलता, बल्कि नॉर्मल गाड़ियाँ क्या होता है कि आज अगर आपने किया तो 5 6 दिन में मिल जाते हैं, लेकिन बुलेट के लिए आपको 1 महीना 1.5 महीना पहले एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ये सारा इसका हिसाब किताब होता है तो आता है। तो हमें पूरा 1 महीने के बाद, 1 महीने नहीं कह सकते, 25 दिन के बाद आपको मिला था, मतलब हमें मिला था, और मतलब काफ़ी सेटिस्फाइड है हम इस गाड़ी से, और काफ़ी मज़ा आ रहा है इसमें चलने में, और ओवरऑल बहुत अच्छा है बुलेट। हम लोगों ने सोचा ही था कि जब हम इतने पैसे लगा रहे थे तो क्यों हम ऐसे कोई छोटी मोटी गाड़ी लें, तो हमने बोला कि चलो बुलेट ही लेते हैं, और बुलेट इलेक्ट्रा बहुत अच्छी गाड़ी है, आप लोग भी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। गाइस ये जो ब्लॉग था बेसिकली एक रिव्यू ब्लॉग था, आपको जैसा मैंने दिखाया बाइक का उसी के रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखो अगला ब्लॉग क्या आता है और कब आता है कुछ डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी है कहीं जा भी नहीं सकते, बाकी ठीक है देखते हैं क्या होता है, बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।